हमने सफिया बहन की फौदगी पर आपको देखा था और आपके दादा से भी बात की थी। अभी तुम जाओ, इसका दिमाग बड़ा खराब है। मेरा मशवरा तो यह है कि रिश्ता खत्म कर दें, वरना यह सलीम सारी जिंदगी गले का हार बन के लटकता रहेगा। बात की तुमने, फोन किया? अरे यार मैंने किया था, फोन नहीं उठा रही वो। नाराज होगी होगी मुझसे, उसने वहां जाने से मना किया था। दादा ये सलीम अकल बहुत टेढ़े आदमी है, अदन वहां पे सेफ नहीं है। अरे बड़े बड़े टेढ़े लोगों को तीर की तरह सीधा कर दिया मैंने, वो तो मैं अदन की वजह से खामोश हूँ। अरे मोहल्ले में उस लड़की की क्या इज्जत रह जाती है जो अपने घर वालों से लड़के चली जाए? यार यही तो वजह है कि अदन खामोश है और सलीम अंकल उसकी खामोशी का फायदा उठा रहे। अब वो खुद को उसको यहाँ पे छोड़ने आएंगे नहीं, किसी ना किसी झगड़े के बाद ही आएगी वो। तुम क्या समझते हो, अदन उस घर में सेफ नहीं है? हाँ लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, नाराज होगी मुझसे, उसने पहले मुझे आने से मना किया था। दादा ये सलीम अंकल बहुत टेढ़े आदमी है, मुझे अदन वहां पे सेफ नहीं लग रही। तुम क्यों दादाजी को गर्म करो बिला वजह? अगर दादाजी जलाल में आ गए ना तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। यार यहाँ सीरियस बात हो रही, तुझे मजाक सूझ रहा है? आप परेशान मत हो दादाजी, उसके अंदर का ना मजनू तड़प रहा है। आपको पता है निकाह हो गया, अब ये बेगम को मिस कर रहा है। वो भाई ठंडे रहो, ये मेरा फोन पे डीएसपी को बुलाओ, जमशेद को, और चलो तुम गाड़ी निकालो। अरे देख रहे हो तुम, अगर दादा को जलाल आ गया ना और ये पुलिस मोबाइल लेके सलीम अंकल से मिलने के लिए चले गए, सलीम अंकल की ऐसी कोट लगाएंगे उनको उल्टा टांग देंगे, फिर तुम और अदन रह जाओगे पटिया करने के लिए, सोच लो। इसीलिए लोग पुलिस वालों के घरों में रिश्ता नहीं करते, इसलिए कि बात जो है वो मोहल्लों से पहले थानों में पहुंच जाती है। और तुमको क्या जल्दी थी अदन के घर जाने की? अभी तो वो बिचारी माँ के गम से नहीं निकली है, और आप समझा नहीं सकते थे इसे? अरे मुझसे पूछे थोड़ी गया था, आकर तो बताया था ना। दादी बात यह नहीं है कि मैं अदन को यहाँ अपने पास लाना चाहता हूँ, बात यह है कि वो वहां पे सेफ नहीं है। आप बेशक उसको यहाँ पे ना लेके, लेकिन प्लीज अदन को उस अजाब से बाहर निकालें। मोहब्बत में गम और आंसू कहीं ना कहीं तो अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं। अब देख लो, कोई भी मोहब्बत की कहानी गम के बिना तो नामुकम्मल ही है ना। थिंक यू राइट, जितना मैं तुम्हारी बातों पे गौर कर रहा हूँ मुझे तुम्हारी बात सही लग रही है। ससी पुन्नू, ही रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, सारी कहानियां देख लो, गम ही गम है। मुझे डरा क्यों रहे हो मोहब्बत से? डरा तो नहीं रहे, तो फिर क्या अपना गम बांट रही हूँ? पता है अभी एक ही हफ्ता हुआ है हमारे निकाह को, और जितना जल्दी में हमारा निकाह हुआ मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में हमारी मर्जी शामिल थी या हम पे मुसल्लत किया गया। खैर तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे पूछो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे दिन ब दिन और मोहब्बत होती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि एक जिंदगी तो तुम्हारे साथ कम पड़ जाएगी, तो अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं मर गया। जैद, अरे डायलॉग मार रहा हूँ बेबी, सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं हो गया तो मैं अल्लाह मियाँ की बारगाह में जाके उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज मुझे एक बार दोबारा जमीन पे भेज दे, ताकि तुम यहाँ पे अकेली ना हो जाओ। प्रॉमिस। बेटा मेरा दिल है कब से, मतलब हेलो, अरे बंदे ने इतना रोमांटिक किस्म की नींव डाला मारे हो। सर उसके साथ एक लड़की है। अभी छोड़ दो, अभी हमें कोई गवाह नहीं चाहिए। ओके सर।